आप भी करो ये चीज, फिर देखो हार्ट के डिजीज, डायबिटीज, बीपी कहाँ भाई, नथिंग नथिंग। पहाड़ों पे आओ, वॉक करो फिर 5 किलोमीटर, फिर देखो बॉडी अगर बढ़िया तरीके से रिएक्ट ना करे ना भाई साहब। नीचे से बेसिकली दो रोड कट रहे थे, एक सीधा सीधा जो अभी आपने देखा नीचे से जा रही है वो वाले रोड, और एक ये वाला रोड जहाँ से अभी अपन आ रहे हैं, ये सीधा सीधा जाता है टुवर्ड्स कालीवाड़ी, और उसके पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक चर्च भी आता है जो कि लोग बोलते हैं हॉन्टेड है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे, वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटो वेलोसिटी। उम्मीद करता हूँ इस चैल सीरीज में, हिमाचल सीरीज पे आप जुड़े हो और आपने सारे एपिसोड्स देखे अभी तक के। अगर नहीं देखा देन डू गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि सारे एपिसोड्स बहुत ही मतलब स्वीट एंड सिंपल टाइप के और बहुत ही एडवेंचरस भी है। आपको ऐसे ऐसे रोड्स टेरेन्स देखने को मिलेंगे शिमला के आसपास जो शायद आपने पहले कभी देखा हो, अगर देखा हो तो डेजा वो वाली फील देने को मैं तैयार हूँ, और अगर नहीं देखा तो आपको अपने ब्लॉग्स के थ्रू घुमाने के लिए भी तैयार हूँ। तो जाके देखो उन ब्लॉग्स को अगर आपने नहीं देखा। तो अभी अपन आए हुए तारा देवी टेम्पल पे, अगर आपने पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा देन डू गो एंड चेक इट आउट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पिलग्रिम प्लेसेस ऑफ शोगी। अगर आप शोगी आ रहे हो तो शोगी में क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी है आपको मेरे पिछले वाले ब्लॉग में पता चलेगा, और अगर आपको माता जी के यहाँ पे आना है तो रोड्स कैसे हैं वो भी आपको पिछले वाले ब्लॉग से ही पता चलेगा। तो अभी अपन यहाँ से अपना ट्रिप शुरू करने वाले टुवर्ड शिमला। शिमला इज अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, लेकिन उसके लिए गूगल आंटी बोलते हैं कि 1.25 घंटे लगने वाले, तो आप समझ ही जाओ शिमला इज फेमस फॉर ट्रैफिक जाम्स, और वही अपने को आज मिलने वाला है भाई, क्या करें, कभी ना कभी तो बंदे को एक्सपीरियंस करना पड़ता है ना शिमला का भी ट्रैफिक। तो कोई ना, चलो करते हैं एक्सपीरियंस उसको, और आपको भी एक्सपीरियंस करवाता हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर टू यू नो एक्सप्लोर, माल रोड कैसा है आसपास, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर टाइम परमिट्स तो आपको वहाँ पर लेके भी जाऊँगा और साथ में घुमाऊँगा भी। तो व्लॉग के एंड तक बने जरूर रहना, तभी जाके आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब डू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। निकलते हैं यहाँ से और लेके चलता हूँ आपको यहाँ से लेके शिमला तक, लेट्स गो। तो यार अपन आ चुके हैं मेन हाईवे पर, दिस इज नेशनल हाईवे 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन भाई वो टेरेन पे चला के ना यार अलग ही फील आती है, अलग ही एड्रेनलिन रश आता है। मतलब अगर आप इफ़ यू आर अ ड्राइविंग एंथुजियास्ट, आपको ना इन पैचेस पे आके चलाना चाहिए गाड़ी। देखो यार आप खुद को टेस्ट जब तक नहीं करोगे ना, आप तब तक खुद को पॉलिश नहीं कर पाओगे। टेस्टिंग योर सेल्फ इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग योर सेल्फ इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ व्हाट आई बिलीव। तो खैर यहाँ से अब हमें ये शोगी, मतलब ये प्रॉपर एरिया जो आप देख रहे हो दिस इज शोगी, छोटा सा एरिया, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। इसके बाद फिर अपना शिमला शुरू होगा, तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, आपको भी लेके चलता हूँ आगे, लेट्स गो।
कैसा लगा भाई लोग? अगर पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। पहाड़ों में ना एक ट्रेडमार्क चीज होती है, क्योंकि पार्किंग तो मिलता नहीं है, गाड़ी आपको 1 किलोमीटर दूर लगाना पड़ता है, उसके बाद चल चल के जाओ। गाड़ी लगाया पीछे अपन ने, चल चल के जा रहे वहाँ पे। आप भी करो ये चीज, फिर देखो हार्ट के डिजीज, डायबिटीज, बीपी कहाँ भाई, नथिंग। पहाड़ों पे आओ, वॉक करो फिर 5 किलोमीटर, फिर देखो बॉडी अगर बढ़िया तरीके से रिएक्ट ना करे ना भाई साहब। चलो गाड़ी के पास चलते और लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी देन। तो यार अपन फाइनली पहुंच चुके हैं माल रोड पे। गाड़ी पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे पार्क कर दिया, और आप देख सकते हो एक ये छोटा सा हल्का सा जैकेट, लाइट सा जैकेट डाल दिया, क्योंकि भाई रात को ना यहाँ पे टेम्परेचर 8-9 डिग्री के आसपास पहुंच जा रही है आजकल, तो वापस आते आते वैसे भी शाम हो जाने वाला है। खैर सामने अपना माल रोड है, यहाँ से अपने को लिफ्ट के टिकट्स करवाने हैं, और उसके बाद बाया लिफ्ट अपन चढ़ेंगे ऊपर, और उसके बाद फिर करेंगे एक्सप्लोर माल रोड को, और उसके बाद आसपास जो भी है देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। नमस्कार, देखते हैं क्या क्या। नमस्कार कर रहे थे भाई साहब, तो मैंने सोचा कि मैं भी नमस्कार कर दूँ। तो देखते हैं जो जो एक्सप्लोर कर पाऊँगा आपको साथ में करवाऊँगा, तो व्लॉग के एंड तक बने ज़रूर रहना। चलते हैं आगे। यार माल रोड पे अगर आप आते हो यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस तो आपको मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे मतलब ट्राई करने का मतलब बनता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड है बेसिकली। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको इतना अच्छा मिलेगा नहीं, मेरे को नहीं मिला घुसते के साथ, तो तभी। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे एक वॉक करके वापस जाने का, दैट यू कैन परफेक्टली डू दैट, बट देन इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विथ फूड, अगर आपको लगता है कि आप खाना चाहते हो यहाँ पे तो खा सकते हो, लाइक दैट इज़ अप टू यू। पर इफ़ यू टेक माई ओपिनियन तो आपको टेस्ट द गिवन द प्राइस दैट यू आर पेइंग यहाँ पे नहीं मिलने वाला, तो अगर आपको मुझे सजेशन चाहिए मत खाओ यहाँ पे आके। चलते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं माल रोड को, देखते हैं और क्या क्या आगे। रात को चिल मारने के लिए आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो अगर आपको चिल मारना है रात को माल रोड विल नॉट डिसअपॉइंट यू। बाकी वुलन कलेक्शंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है अभी, गिवन कि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो वुलन क्लोथ्स हिमाचल के वैसे ही बहुत फेमस होते, तो आप चाहते हो यहाँ से आके परचेज करना तो यू विल बी हैविंग अ लॉट मैनी ऑप्शंस, एंड अगेन आई विल से दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज और नॉट। फॉर मी दैट विल बी ओवर प्राइस्ड इज़ व्हाट आई कैन से। This is one of the biggest small roads that you can have. Options आपके पास काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, for clothing, for food, for tattoos, for gaming, बहुत कुछ है। लेकिन हाँ एक चीज़ जो मिसिंग है यहाँ पे, जो मुझे मसूरी के माल रोड में पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, that was the gun hill. Hello, कैसे हो? Hello, तो अभी शूट करते करते बहुत ही प्यारी चीज़ हुई यार, बच्चे जा रहे थे वो एक्साइटेड हो गए देख के यार, कैमरा, फिर उसके बाद जो हुआ आपने देखा, दे यू नो टुक माई चैनल नेम, उसके बाद सब्सक्राइब भी किया,
अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हो एंड पीपल स्टार्ट यू नो अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, यू फील गुड। चलो आगे चलते हैं। अभी तो आधा माल रोड कवर किया अपन ने, अभी आधा और पड़ा हुआ है, उसके बाद फिर हॉन्टेड प्लेसेस भी है, होपफुली शूट करेंगे उनको भी। चलो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। एज इज जस्ट अ नंबर गाइज, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, आपको दिल से बच्चा होना चाहिए, उसके बाद फिर आप हर जगह एंजॉय कर सकते हो। तो माल रोड से नीचे से बेसिकली दो रोड कट रहे थे, एक सीधा सीधा जो अभी आपने देखा नीचे से जा रही है वो वाले रोड, और एक ये वाला रोड जहाँ से अभी अपन आ रहे हैं, ये सीधा सीधा जाता है टुवर्ड्स कालीवाड़ी, और उसके पहले इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक चर्च भी आता है जो कि लोग बोलते हैं हॉन्टेड है ना। एक्साइटिंग, चलते हैं आगे चलते हैं, पहले वहाँ पर चलते हैं उसके बाद फिर नीचे आके माल रोड के एंड पॉइंट तक चलेंगे और आपको ले के भी चलूँगा। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। कैमरे का पावर देख रहे हो भाई साहब, बंदर भी डर गया। वो नीचे उतरा था, उसको खाना लेना था, पापा के हाथ में खाना था, फिर मैंने कैमरा दिखाया, मैंने बोला हट, फिर वो धीरे धीरे पीछे हो गया। भाई साहब पावर ऑफ कैमरा। चलो अब चलते हैं अपन दूसरे वाले चर्च पे जो कभी खुलता नहीं है, उसके बाद फिर अपन आपको लेके चलेंगे वो वाले चर्च पे जो हमेशा खुला रहता है। तो पहले उसको कवर करते हैं जो पता नहीं लोग बोलते हैं हॉन्टेड, आई एम नॉट श्योर। तो चलते हैं देखते हैं, उसके बाद फिर अपन चलेंगे टू द एंड ऑफ द माल रोड जहाँ पे दूसरा चर्च है। Thank you.
तो शिमला में दो चर्च है बेसिकली, एक ये वाला चर्च हो गया और दूसरा चर्च जो आपके माल रोड के एंड पे आता है जहाँ पे मैं अभी आपको लेके जाऊंगा, ये चर्च कभी खुलता नहीं है। अभी मैं लोकल से बात भी कर रहा था तो उन्होंने भी कहा कि ये चर्च कभी खुलता नहीं है, पर अभी मैं आया, आपने भी देखा खुला, इवन तो अंदर कोई था नहीं पर हाँ वो खुला हुआ था और अंदर लाइट्स वगैरह जल रही थी। बोलते हैं लोग, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग पे बोला, लोग बोलते हैं कि दो चर्च है यहाँ पे, एक हॉन्टेड है उसमें से, आई डोंट नो, मुझे ऐसा कुछ वाइब यहाँ पे आया नहीं ना मुझे लगा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो इस वाले चर्च पे, क्योंकि इसके आसपास जो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा सुकून है, मेन जो सिटी है ना, मेन टाउन आपका उस साइड है, और यहाँ क्योंकि ये थोड़ा आउटस्कर्ट पे आता है, आउटस्कर्ट क्या, आउटस्कर्ट ऑफ माल रोड पे आता है, तो यहाँ पे आपको इतनी जनता दिखती नहीं है। यहाँ पे शांति एंड पीसफुल एनवायरनमेंट आपको 110% मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, आके ये पीछे वादियों को एंजॉय करना चाहते हो, सो दिस इज़ अ मस्ट रिकमेंडेड प्लेस इफ यू आर हेडिंग टू शिमला। माल रोड पे यार देखो कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, मैंने पहले भी बोला कि माल रोड काफ़ी बड़ा माल रोड है, यहाँ पे आपको हर एक तरीके की चीज़ें मिलेंगी, लेट बी क्लोथ्स, लेट बी डाइनिंग, लेट बी टैटू, लेट बी ज्वेलरी, लेट बी इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट बी एनीथिंग। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे मिसिंग दिखा, दैट इज़ स्टारबक्स, जो मसूरी में है, यहाँ पे वो नहीं है, हो सकता हो लेकिन मुझे नहीं दिखा अभी तक यहाँ पे, लेकिन हाँ इसके अलावा सब कुछ ही है। और एज मेंशन बिफोर, यहाँ पे अगर आके आप खाना वाना चाहते हो तो आपको आपसे पैसे ज़्यादा लेंगे वो, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी आप होटल में बैठ के वहाँ के खाने का लोगे ना, वहाँ के जो कुक जो आपको बना के देंगे खाना, उसका जो टेस्ट होगा नेक्स्ट लेवल, कतई जहर। मैं वही इंजॉय कर रहा हूँ ना, तभी तो मैंने यहाँ से खाया नहीं, पॉपकॉर्न लिया, भाई ने नमक देने के लिए मना कर दिया, बताओ यार ऐसे चलता है। चलो कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी को और लेके चलता हूँ आपको टू द एंड ऑफ माल रोड। Guys, we have finally reached the last point of the Mall Road of Shimla, जो है अभी आपने देखा, जो चर्च देखा आपने, this is the second church जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। तो यहाँ पे basically आके आप थोड़ा explore कर सकते हो, horse riding वगैरह यहाँ पे होता है, वो enjoy कर सकते हो, खाना वाना अगर आपका मन करे, मेरा नहीं करता यहाँ पे आके खाने का, लेकिन अगर आपका मन करे तो आप वो चीज़ भी explore कर सकते हो, you will be having a lot many options in here। और उसके बाद जो पीछे आप ये व्यू देख रहे हो ना, उसको भी देख के चेरिश करते हुए मी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, या फिर दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो चलो एंड करते हैं आज के ब्लॉग को यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिला होगा एज इन व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन माल रोड ऑफ शिमला विच यू कैन एक्सप्लोर वंस यू आर प्लानिंग योर ट्रिप और आइटनरी टू दिस पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो अगर पसंद आया व्लॉग, लाइक बटन हिट करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन ओनली इफ यू आर लाइकिंग द व्लॉग, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब डू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। मिलते हैं अगले व्लॉग पे, टिल देन चीयर्स।